खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां लॉकडाउन के बीच जबलपुर पुलिस ने 3 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ धर दबोचा है। वहीं एक शातिर बदमाश अनिराज नायडू पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल हुआ। बताया जाता है कि अनिराज अपने एक साथी राकेश पांडे के साथ हथियार को नोक पर लोगों को धमकाने का काम कर रहा था। इस दौरान क्राइम ब्रांच व गोरखपुर पुलिस ने सूचना मिलते ही मदन महल इलाके में घेराबंदी की, लेकिन पुलिस को चकमा देकर अनिराज भागने में सफल हो गया। वहीं पुलिस ने अनिराज के साथ ही राकेश को धर दबोचने में सफलता पाई और उससे एक पिस्टल व कारतूस बरामद किया। राकेश ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि बेलबाग खटीक मोहल्ला निवासी बब्बल सोनकर के पास भी पिस्टल है। पुलिस ने बब्बल सोनकर को गिरफ्तार करते हुए उससे भी कारतूस व पिस्टल बरामद की। वहीं बब्बल ने बताया कि उसने अपने चाचा की पिस्टल चोरी की थी, जिनकी 4 साल पहले मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद लॉर्डगंज के शातिर अपराधी मुकेश पटेल को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से भी पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं। मुकेश हाल ही में 307 के मामले से जेल से छूट कर आया था। पूछताछ में मुकेश ने जेल में बंद एक अपराधी से पिस्टल लेने की बात कबूल की है। मुकेश के खिलाफ भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज करते हुए फरार अनिराज की तलाश शुरू कर दी है। अनिराज के विरुद्ध भी लूट हत्या के प्रयास और मारपीट के कई मामले पंजीबद्ध हैं। अनिराज ओमती क्षेत्र का शातिर बदमाश है। क्राइम ब्रांच की टीम को पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा घोषित किया गया था कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो पिस्टल रखकर कुछ लोगों को धमका चमका रहे हैं। इस सूचना पर क्राइम की टीम को एक्टिव किया गया और 3 लड़के पकड़े हैं। एक उनका साथी फरार हुआ है। उनसे 3 पिस्टल 3 कार्टिज जब्त किए गए हैं। उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। गोरखपुर थाने में इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। आम सकते अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।